मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से सहमत लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ, अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आगे बन जाए हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 5 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, और इसी एक सीट को लेकर लगातार जो अंदर जेडीयू में ही अंदर खाने में काफ़ी हलचल पैदा हुई है। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस पर एक बयान देते हुए कहा है कि वो नीतीश कुमार के सहमति से ही केंद्र में मंत्री बने थे, और उन्हीं के सहमति से ही 24 तारीख से लेकर 31 तारीख में नामांकन भरने जाएंगे। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि एक नाराज़गी लोगों में और जेडीयू के अंदर खाने में ये है कि नीतीश कुमार से बिना पूछे वो केंद्र में मंत्री बन गए थे, और उन्हें कहा गया था कि 2 से 3 मंत्री कम से कम केंद्र में होने चाहिए, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर आज सफाई दी है कि नीतीश कुमार के सहमति से ही वो मंत्री बने थे। अगर जेडीयू के किसी भी सांसद में हिम्मत थी तो आकर वो दिल्ली में मंत्री क्यों नहीं बन गए? उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है आज के जो केंद्रीय मंत्री को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार से बिना पूछे, अपने शीर्ष नेतृत्व से बिना पूछे आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा नीतीश कुमार के सहमति से ही वो केंद्र में मंत्री बने थे, और आज एक बार फिर से जब 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक नामांकन की डेट होगी तो नीतीश कुमार के सहमति से ही नामांकन करने जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अपने मंत्री बनने को लेकर, और फिलहाल जो अभी स्थिति है नामांकन भरने को लेकर सब कुछ पर क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह? छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो नामांकन भरेंगे। अच्छा तू ही बता दो, हाँ तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले नामांकन 24-31 तक, आज 25 से खाली परेशान हो अभी है सर, नामांकन जेडीयू पार्टी से, जेडीयू पार्टी यार मैं किस पार्टी में हूं सर? आप केंद्र में, मैं किस पार्टी में हूं? जेडीयू में। आप तो फिर सर आप केंद्र में मंत्री बन गए, और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय ये इस बात से इनकार किया था, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है जो अटकलें लगाई जा रही है अपनी पार्टी के नेता को ये पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से सहमत लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ, अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आगे बन जाए हैं। सर एक और सवाल है।